पाठ संख्या पाँच बड़े भाई साहब। जी हाँ, बड़े भाई साहब ये पाठ का नाम है और इनके लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद नाम सुने होंगे, मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत फेमस लेखक हैं और बहुत सारे ऐसे रचना लिखे हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश क्या है, देखिए। प्रस्तुत पाठ बड़े साहब हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद जी की जीवंत रचना है। हिंदी कथा सम्राट, इस कहानी में दो भाइयों के बीच सोच का हृदयगामी वर्णन है। बड़ा भाई मेहनती है पर असफल हो जाता है। छोटा भाई लापरवाही पूर्वक पढ़ता है पर कक्षा में अव्वल आता है। बड़ा भाई छोटे भाई को सदैव चरित्रगत बातों का भाषण पढ़ाते रहता है। यहाँ पर दो भाइयों की कहानी है। बड़े भाई साहब असफल हो जाता है, मेहनत करते हुए भी असफल हो जाता है, और छोटा भाई साहब लापरवाही पूर्वक पढ़ता है और वह पढ़ाई में कक्षा में अव्वल लाता है। वस्तुतः यह कहानी रटत शिक्षा प्रणाली पर किया गया एक व्यंग्य है। रटत शिक्षा प्रणाली पर प्रेमचंद का मानना है कि पढ़ाई दिल से एवं आनंदपूर्वक करनी चाहिए, बोझा समझकर नहीं। शिक्षा को रटत पद्धति में सबसे बड़ी खामी यह है कि इससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। जीवन की समझ की किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि जीवन अनुभव से प्राप्त होती है। आगे आइए, सिर्फ पढ़ लेने से ही अपने को बड़ा समझना भी मूर्खता है। घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना भी पढ़ाई का ही आवश्यक अंग है। पढ़ा लिखा वर्ग घमंडी हो जाता है, जो आज की अपूर्ण शिक्षा का भयानक दोष है। अतः शिक्षित लोगों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये रहा पाठ का सारांश। पूरे पाठ को हम संक्षेप में बताने का काम किए हैं। अब देखते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय, लेखक के बारे में जान रहे हैं। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ये देखिए, मुंशी प्रेमचंद भारत के कथा सम्राट कहलाते हैं। मुंशी प्रेमचंद भारत के कथा सम्राट कहलाते हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले, बनारस जो अभी नाम है, और वहाँ का गांव है लम्ही। हिंदी एवं उर्दू के महानतम लेखकों में से एक प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। उन्होंने अपने उर्दू लेखन की शुरुआत नवाब राय के नाम से की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने हिंदी लेखन कार्य शुरू किया। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने इनकी प्रतिभा देखकर उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से संबोधित किया। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचना की बात किया जाए तो प्रमुख रचना है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला। ये सब आप पढ़िए, बहुत ही दिल को छू जाएगा। निर्मला जो एक दिल को छूने वाली कहानी है। कहानी का संग्रह के बात किया जाए तो कहानी का संग्रह है मानसरोवर में 8 भाग है, गुप्त धन में 2 भाग है। इसके अलावा नाटक एवं निबंध में इनकी कृतियां भरी पड़ी है। प्रेमचंद 45 वर्ष की अवस्था में ही 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। बहुत कम समय में वो प्रसिद्धि पाए, बहुत मेहनत किए और एक प्रसिद्ध लेखक बने। तो बच्चों, कैसा लगा पाठ सारांश और कवि परिचय, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो बड़े भाई साहब है उन्हीं का प्रश्न का उत्तर। तब तक मेरे चैनल बने रहे। धन्यवाद।